नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी को जीवित नहीं होने का असर समाप्त हो जाती है तो उन्हें श्रद्धांजलि दे दी जाती है, पुण्यतिथि मनाया जाता है। नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी के पास हैं और इनसे जानेंगे कि जो गोविंदपुर समस्तपुर को जोड़ने वाली जो लोहा पुल जो क्षतिग्रस्त है उसके बारे में इन्होंने कहा कि 20 मई को पुल का पुण्यतिथि मनाया जाएगा। ये काफ़ी दुखद स्थिति है तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे ये प्रोग्राम के बारे में विशेष रूप से। तो आइए अब देखते हैं डॉक्टर साहब क्या क्या जानकारी देते हैं। 20 मई 2021 को प्रशासनिक लापरवाही के कारण टूट गया। हम लोग कई बार प्रयास किए, नीति नवीन मंत्री को फतवा के अधिकांश राजनीतिक लोगों ने भी कहा लेकिन आज तक देखने भी नहीं आए। अब आशा है कि पूरा नहीं बनेगा तो हम लोग सोचे कि जब आदमी को जीवित नहीं होने का आशा समाप्त हो जाती है तो उन्हें श्रद्धांजलि दे दी जाती है, पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो आशा टूट जाने के बाद निर्णय लिए हैं 20 तारीख को उनका पुल का पुण्यतिथि मनाएंगे और हर साल मनाएंगे। हर साल 20 मई को 20 मई को ही हर साल मनाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण कार्य है। फतवा के सभी लोगों से निवेदन है कि इसमें सभी लोग भाग लें। कहीं देश एक महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है, ऐसा शायद दुनिया में पहली बार पुल का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए।